खबर दिल्ली से सटे खोड़ा कॉलोनी की है। आज जयराम के घर छाया है दूसरा दिन भी मातम। जी हाँ, मैं आपको बताते चलूं कि यह घटना गाजीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां लापरवाह आरटीवी चालक ने ली महिला की जान। जया देवी उर्फ रेखा 5 बच्चों की माँ थी। गाड़ी का नंबर सब पता है, वो तभी तो कह रहे मैंने बंद कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश सातवीं आसमान पे था। कोई भी समझौते को तैयार नहीं। घटना स्थल से मिली जानकारी के अनुसार मृतिका महिला जया देवी उर्फ रेखा अपने काम से घर को लौट रही थी। महज 500 मीटर की दूरी पर एक लापरवाह आरटीवी चालक की वजह से हुई दुर्घटना में मौके पर दर्दनाक मौत। बिखर गया जयराम का परिवार व अनाथ हुए बच्चे। हजारों के तादाद में ग्रामीणों ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जमकर कोसा। परिजनों एवं ग्रामीणों की माने तो मृतिका रेखा को लावारिस घोषित करने एवं आरटीवी संचालक से उचित धनराशि की मांग को लेकर आक्रोशित परिजनों ने लाश को बीच चौराहे पर रखकर लगाई घंटों न्याय की गुहार। हजारों के तादाद में ग्रामीणों ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कोसा। यहां तक कि बढ़ते ग्रामीणों में आक्रोश को लेकर दिल्ली पुलिस ने यह खुलासा किया कि गाड़ी को मैंने ट्रेस कर कब्जे में ले लिया है। वहीं एसीपी राकेश कुमार का दो टुक कहना था कि हमारी संवेदना इस परिवार के साथ है, हम यथासंभव न्याय की मांग करेंगे। धनराशि दिलाने की बात पूछे जाने पर मीडिया से बचते नजर आए। अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस दुर्घटना में हुई मौत के जिम्मेदार व्यक्ति के साथ किस तरह पेश आती है दिल्ली पुलिस और किस कदर न्याय दिलाती है पीड़ित परिवार को दिल्ली पुलिस। ये 2 से 3 बजे के बीच का हादसा है। काम करके आ रही थी और साइड में आई थी, एक बस वाले ने घुमाकर गाड़ी चढ़ा दी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, गाड़ी लेकर भाग गया। वो दो बार चढ़ाया, दो बार फिर दूसरा आया, उसने पूरा कुचल दिया इन्हें। उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों ने पुलिस को बताया? फिर पुलिस वाले को बताया, पुलिस वाले खुद लेके बोले लावारिस लाश है। अभी जैसा कि इनका कहना है कि पुलिस को इन्होंने सूचना दी और पुलिस ने उस वक्त अज्ञात लाश बताई और यहाँ पे रखने, और लेकिन इस टाइम जो कि यहाँ पे माहौल है वो लाश रखकर यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हैं और पुलिस के खिलाफ वो अपना आक्रोश। वैसे तो बॉर्डर इलाका होने के कारण लगभग आए दिन दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद के क्षेत्र में आने वाले आम नागरिकों का आमना सामना होता रहता है। यहाँ पर लालबत्ती नहीं होने के कारण आए दिन जाम लगना एवं दुर्घटना तो आम बात सी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस दुर्घटना से सदैव सतर्क रहेगी दिल्ली पुलिस अथवा यूं ही चलता रहेगा। अब तक आपके साथ था विनोद झा का विशेष रिपोर्ट। नमस्कार।